स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर निगम भोपाल बारिश के पहले नालों की साफ सफाई जरूर करता है, मगर कई जगह नालों पर अतिक्रमण होने के कारण सफाई नहीं होती है, जिस कारण जल भराव की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति अल्पना टॉकेज तिराहे पर देखने को मिली, जहाँ सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ था। आने जाने वाले लोग काफी परेशान हुए, लोग रेलिंग पर चढ़कर निकल रहे थे। लोगों ने भोपाल नगर निगम के कंट्रोल रूम में शिकायत करी और आज भोपाल महापौर मल्टी राय पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्दी जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करें और यहाँ जल भराव नहीं हो, इसके लिए जो 2 फीट का नाला बन रहा है उसको 4 फीट का किया जाए। PWD के अधिकारी को निर्देश दिए। के पास कल यहाँ से मैं निकली थी और पानी का भराव मैंने देखा था, इसलिए आज सभी अधिकारियों को बुलाकर, चूंकि यहाँ PWD का रोड सैंक्शन है तो PWD से भी हमने बुलाया है और दोनों साइड PWD 2 फीट का नाला बना रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 4 फीट का नाला दोनों तरफ बन जाए और 3 रोड क्रॉस बन जाए तो इस क्षेत्र की पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसी संबंध में PWD वालों को भी बुलाया है, नगर निगम के सभी अधिकारियों को भी बुलाया है और परमानेंट इस चौराहे की समस्या का समाधान हो जाए ऐसा हमारा प्रयास है। 12 टाकिस तक भी रहेगा, ये यहाँ से रोड क्रॉस बनेगा, 1 रोड क्रॉस यहाँ बनेगा, 1 रोड क्रॉस आगे संगम तिराहा जो आ रहा है वहाँ पर बनेगा और 1 रोड क्रॉस छावनी के बाद 12 टाकिस वाला जो एरिया है वो पूरा पानी निकाल सके वहाँ पर बनेगा और आगे जाकर वो पात्रा में मिलेगा। इस तरह का नाला वो अभी देखने जा रहे हैं, अभी देखने जा रहे हैं और क्या हो सकता है उसको भी देख रहे हैं, कई जगह पानी का भराव हो। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।